नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। झाबुआ शहर के पैलेस गार्डन में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें पूरे प्रदेश से खिलाड़ी आए हैं और यह आयोजन यहां की जो बजरंग व्यायामशाला और पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। इसकी अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं सुशील जी वाजपेयी से। सुशील जी, यहाँ जो आयोजन आपने किया है, पूरे प्रदेश से खिलाड़ी आए हैं, मैच भी चल रहे हैं, इस पूरे आयोजन के बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खेल को लेके कवरेज करने आए हैं, क्योंकि खेल आज की स्थिति में ऐसा है झाबुआ ज़िले में जिसकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती, ना कहीं पत्राचार में, ना कहीं उनके एक मैगजीन होना चाहिए गेम्स के लिए। आपके चैनल ने अगर पावर लिफ्टिंग गेम्स के लिए आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है और आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ही प्रत्येक गेम्स के लिए आप लोग हौसला बढ़ाएं ताकि खिलाड़ी ज़िले से निकलें, क्योंकि झाबुआ ज़िला पहले ही बहुत पीछे है गेम्स में। ये आयरन गेम्स के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग ज़िले में जाते हैं पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग्स के अलग अलग प्लेयर्स तैयार करते हैं। धन्यवाद। तो आप मेरे ठीक पीछे देखिए, यहाँ पर मैच चल रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो मैच हैं वो हो रहे हैं। डालने चाहिए गेम के बारे में डालनी रहती है। अब मंडल में बैठे स्पोर्ट्स में सेना कडरिया, प्रतिज्ञा धर्म कामरिया, मुस्कान कुशवा, भारती पटेले, वैशाली मोरासी और भानु प्रिया कांटाड़े, ये स्टेज नंबर दो। हम इनके जो एसोसिएशन है मध्य प्रदेश के, उनके मेंबर हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। यह आयोजन झाबुआ में हो रहा है, पूरे प्रदेश से कितने खिलाड़ी आए और कौन कौन सा मैच होना है? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस आयोजन को कवर करने के लिए आए हैं। इसमें लगभग 360 प्रतियोगी आए हैं, इसमें 80 के करीब गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज़ हैं, और इसमें पावर लिफ्टिंग का गेम्स है, इसमें स्क्वाड, बेंच और डेड होती है। इन तीनों के टोटल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का चयन किया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, यहाँ से टीम हमारी नेशनल के लिए कूच बिहार के लिए जाएगी। और यहाँ पे भोपाल, इंदौर, झाबुआ, रतलाम, बीना, सागर, रीवा, मंडला और मुरैना, यहाँ से हमारे पास टीमें आई हुई हैं, इटारसी। धन्यवाद। हमारे साथ हमेशा खेलों में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाले रोटरी के उमंग जी भी साथ में हैं। उमंग जी, बड़ा आयोजन हो रहा है झाबुआ में, किस तरह से देखते हैं आप? काफ़ी अच्छा आयोजन है और काफ़ी अच्छा प्रयास है बजरंग व्यायामशाला का, और हम लोगों की इच्छा रहती है कि खेल को आगे बढ़ाएं। झाबुआ में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, झाबुआ की जो भूमि है वो उर्वरा भूमि है खिलाड़ियों के लिए। झाबुआ के कई विधाओं के खेल में लोग नेशनल तक खेल रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में भी झाबुआ के कई बच्चे नेशनल खेल रहे हैं,
उसमें रोटरी क्लब की ओर से मैं और सकल व्यापारी संघ की तरफ से नीरज जी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और आगे कोई भी इवेंट होगा हम अभी ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम इसको आगे नेशनल तक लेके जाएंगे, और प्रयास ये रहेगा कि झाबुआ में एक नेशनल इवेंट भी। तो आपने इनको सुना, और इस तरह के आयोजन को और भी देखने के लिए बने रहे झाबुआ लाइव सर।